जय श्री कृष्ण मित्रों मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़े खास नियम। तो यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उनकी मनोकामना भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है और कार्य क्षेत्र में उनको सफलता प्राप्त होती है, समस्त पापों का नाश होता है। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सावन का महीना आरंभ हो चुका है। सावन में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व होता है। हर माह की तरह सावन मास में दो एकादशी रहती है, पहली कृष्ण पक्ष में आती है, दूसरी शुक्ल पक्ष में रहती है। तो सावन मास में पड़ने वाली पहली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत दिनांक 4 अगस्त 2021 बुधवार के दिन रखा जाएगा। तो कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते का प्रयोग जरूर आपको करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी के दिन व्रत के नियमों का पालन और विधि विधान से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ ही उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के पारण का खास समय। तो हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 3 अगस्त 2021 मंगलवार को दोपहर 12:59 से आरंभ होगी, जिसका समापन 4 अगस्त 2021 बुधवार को दोपहर 3:17 पर होगा। तो उदया तिथि होने के कारण कामिका एकादशी का व्रत दिनांक 4 अगस्त 2021 बुधवार को ही रखा जाएगा। तो कामिका एकादशी के दिन शुभ योग भी बन रहे हैं। कामिका एकादशी के दिन प्रातःकाल 5:44 से अगले दिन 5 अगस्त की सुबह 4:25 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस वर्ष कामिका एकादशी व्रत में सर्वार्थ सिद्धि योग में यह व्रत रखा जाएगा। तो कामिका एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। कामिका एकादशी व्रत पारण में पारण का मुहूर्त का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण विधिपूर्वक नहीं होने से इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी 5 अगस्त 2021 गुरुवार को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी का पारण इस दिन प्रातःकाल 5:45 से आरंभ होकर के तो 8:26 के मध्य आप इसका पारण कर सकते हैं। तो पारण के बाद दान आदि कार्य करना बड़ा ही शुभ होता है। तो कामिका एकादशी में किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार, फलाहार आदि लेते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। तो त्रिस्पर्शा पक्षवर्धिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि दशमी तिथि को दिन या रात में एकादशी तिथि आ जाए तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम हो जाता है। तो भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को बताया था कि यदि अमावस्या या पूर्णिमा 8 दंड की रहे, दिन रात अविकल रूप से रहे तथा दूसरे दिन प्रतिपदा में उसके कुछ अंश चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायी और फलों को देने वाला होता है। तो जो भी भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म सुनते हैं या पढ़ते हैं वे उस पुण्य के भागी हो जाते हैं। तो इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी और द्वादशी तिथि हो, रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो भी संभव हो आप कर सकते हैं। तो पहला स्तर उन्होंने बताया है, एक निर्जल व्रत होता है, दूसरा उपवास व्रत है, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ इसमें ग्रहण किया जाता है, चौथा होता है नक्त व्रत यानी दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार लेना, और पाँचवा
एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना, और अशक्त वृद्ध बालक और रोगी जो भी यह व्रत नहीं कर सकें यथासंभव एकादशी के दिन अन्न का त्याग तो कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज़्यादा रहती है, अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में ईश्वर आराधना में नियमित संलग्न रहना ही व्रतों का ध्येय होता है। अपनी लगन परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन वचन और कर्म से मन में भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना चाहिए। तो एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह सब अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलती है, जगत में प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है, सम्मान में वृद्धि होती है। तो एकादशी व्रत का विशेष विधान इस प्रकार से होता है। एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान करना चाहिए, फिर संकल्प की विधि के अनुसार काम आगे आपको करना चाहिए। दोपहर को भी संकल्प के अनुसार आपको स्नान करने से पहले अपने बदन पर मिट्टी का लेप करना चाहिए और इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ आदि चला करते हैं, भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नाप लिया था। तो हे मृतिके, यानी मिट्टी से आपको इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं, मेरे उन सभी पापों को दूर करने की आप कृपा कीजिए। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करता है और रात्रि में जागरण नहीं करता है, उनको मात्र एक चौथाई व्रत का फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप होता है। तो व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीप दान भी करना चाहिए। यह सभी कार्य क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से आपको करना चाहिए। इस दिन स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। यह व्रत झूठ बोलने वाले चोर पाखंडी परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। तो भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करें, अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर के प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो पारण का विधान इसमें इस प्रकार से होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन करवाना चाहिए, जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान किसी भी मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली में यथावत सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में पारण करना का निषेध होता है। तो एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होता है। तो इस एकादशी की महापुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। कामिका एकादशी की प्राचीन कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी का वर्णन जैसा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके महात्म्य को सुनने मात्र से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो उस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु जी, माधव अथवा मधुसूदन आदि नामों से उनकी पूजा करने का फल मिलता है। गंगा काशी नैमिषारण्य पुष्कर स्नान के फल से अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान, भूमिदान आदि का जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य विष्णु भगवान की पूजन करने से मिल जाता है। तो श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। जो भक्त लोग कामिका एकादशी के व्रत में उपवास करते हैं और
इसके साथ भगवान विष्णु जी का पूजन भी करते हैं। तो व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियम के अनुसार और विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि आध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्यों को प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी के व्रत के फल से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से कुयोनि प्राप्त नहीं होती है, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में जाता है। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं वे पापों से सदैव दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने वे तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और शरीर से तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की समस्त बाधाएं यातनाएं समाप्त होती है। तो जो श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पित करता है वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीपदान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वाले के पितर उस दिन स्वर्ग में चले जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त हो जाती है। तो यह जो कथा है ब्रह्म वेवर्त पुराण में वर्णित की गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है, इस दिन गाय के दूध का सागर प्रातःकाल लेना चाहिए। दूध व दूध से बने हुए पदार्थ, मिठाई तथा दही, आलू आदि इसमें आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।